साथियों हेलो दोस्तों हेलो मेरी प्यारी सिस्टर सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों ये नोटिफिकेशन तो बहुत पहले आ चुका है लेकिन टाइम की वजह से मैं आपको पूरी डिटेल्स में नहीं बता पाया हूँ तो सभी लोग पूरे डिटेल्स में समझ लीजिए ये नोटिस क्यों उंपुर, क्यों इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से ज़रूर देखिएगा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से ये नोटिस जारी किया जा चुका है बयालीस पंद्रह पत्रांक संख्या अठारह दस दो हज़ार तेईस तो की डेट में ही ये नोटिस जारी हो चुका है साथियों आप लोग के पास प्राप्त हो चुका होगा लेकिन पूरे डिटेल्स में एक बार समझिएगा बढ़िया से इसमें क्या लिखा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ठीक है एन के अंतर्गत राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर से जितने भी नियोजित कर्मी के अनुबंध विस्तार के संबंध में मार्गदर्शन देने के संबंध में है यानी जितने भी यहाँ पर एन की तरफ से बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत संविदा पर कार्य कर रहे हैं या फिर कार्य कर रही हो सभी ए के साथ ही जितने भी संविदा कर्मी सबके लिए इम्पोर्टेंट है इसमें क्या बताया जा रहे हैं खास करके बताऊंगा मैं आठ के जो भी स्टूडेंट है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि उनके लिए ये नोटिस पहली बार देखने को मिले होंगे बाकी जो पहले से कार्य कर रहे हैं या कर रही हो उन लोगों के लिए तो कई बार ये नोटिस देख लिए होंगे है ना तो इस नोटिस में अगर आप लोग बात करेगा तो इसमें क्लियर क्लियर क्या बताया गया आप लोग देख लीजिएगा उपयुक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के प्रसंग में कहना है कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के पत्रांक छप्पन जीरो सात दिनांक सात बारह दो हज़ार इक्कीस के द्वारा सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सी के संविदा नियोजन एकरनामा प्रथम एक ग्यारह महीनों के लिए जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर पर किया जा रहा है फलस्वरूप अगले साठ वर्षों की आयु तक के लिए संविदा विस्तार भी उनके कार्यरत रहने की स्थिति में संतोषप्रद सेवा या एनएचएम के जारी रहने तक तथा पदों को स्वीकृति एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर संविदा अवधि का विस्तार जिला स्वास्थ्य समिति से स्तर से किया जाएगा यानी कहने का मतलब है कि जो भी पहले सी एच ओ की बात यहाँ पर कर दिया गया है जो ग्यारह महीनों के लिए यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं या फिर अगले साठ वर्षों तक के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं या फिर आपके जो संविदा अवधि के लिए जो पेमेंट आता है जब तक रहते हैं स्वीकृत राशि तब तक के लिए आपके कुल मिलाकर के ये घुमा फिरा करके बात कर रहे हैं लेकिन आपकी नौकरी अगले साठ वर्षों तक के लिए है। एक लाइन में आप लोग समझ जाइए तो ये चीज़ है ऊपर में सी लिखा है लेकिन आप लोग नीचे में आप लोग देखिएगा तो डी स्टाफ नर्स ए एन एम काउंसिलर एस यानी कि लैब टेक्नीशियन ब्लॉक अकाउंटेंट सभी के लिए है। जितने भी एन के अंतर्गत संविदा पे है सभी के लिए ये नोटिस है और आप लोगों को यहाँ पर अगले एक साल के लिए पुनः आपकी संविदा अवधि को बढ़ा दिया गया है तो यही है संविदा का नियम आपको पहले एक साल के लिए नौकरी दिए गए हैं फिर आपको ग्यारह महीने के लिए है हाँ ना मतलब शुरू में ग्यारह महीना मतलब ग्यारह महीना का आप लोग एक साल बोल देते हैं फिर आपको अगला ग्यारह महीना फिर आपको ग्यारह महीना इसी तरह से प्रत्येक साल आपको बढ़ते जाएंगे संविदा की अवधि यानी कि आपकी फिर से एक और संविदा की अवधि बढ़ गई है और ये दशहरा के यहाँ पर ड्यूरिंग शुरू ही हुआ है और अठारह को नोटिस आया है तो बहुत अच्छा चीज़ है कि आपके लिए यहाँ पर संविदा की अवधि बढ़ गई यानी कि नौकरी की ड्यूरिंग आपके बढ़ गए हैं और आप लोग का एक साल हो गया तो पाँच मार्क भी आपका सीर हो गया यानी कि अगला अगर वैकेंसी कोई भी आते हैं अगला कोई भी वैकेंसी उसमें अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर जितने भी ए है आठ या फिर जो भी ए है जिनका टाइमिंग हो गया एक साल उनको पाँच मार्क अब आपकी श्योर हो गया ठीक है अब आप लोग ये मत सोचने लगेगा कि आठ सॉरी बी जो दस हजार में है हम लोग उसमें फॉर्म भरें तो उसमें जो यहाँ पर संविदा के लिए भी टाइम फिक्स किया गया कि कितने दिनों तक एक्सपीरियंस का लिया गया यानी उस एक्सपीरियंस के अंतर्गत अगर आप लोग आते होंगे अप्लाई किए होंगे तो आपको मिलेगा अगर नहीं आते होंगे तो आपको इस बार नहीं मिलेंगे बाकी अगले बार के लिए तो अब आपको यहाँ पर श्योर हो गया तो चलिए बहुत बढ़िया अपडेट था सबको जानकारी अपडेट यहाँ से मिल गए होंगे आपको इसी तरह की नई नई जानकारी आपको मिलते रहेंगे और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू